नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज का सबसे बड़ा और कड़वा सच है कि अगर बेटी, घर की बेटी बीमार होती है तो पूरे परिवार को तकलीफ होता है, माता पिता को, और अगर बेटी की जगह पे उसकी बहू बीमार हो जाती है तो वो नाटक लगता है। वो उन्हें लगता है कि काम के डर से ये बीमार हो गई, तो आखिर ऐसा क्यों लगता है समाज को? हम अक्सर अपनी जीत से वो नहीं सीख पाते जो हमें हमारी हार सिखा देती है, कभी भी हमें छोड़ कर नहीं जाती है। अगर हम इस बात पे ध्यान दें तो जल्दबाजी में हमें उम्मीद को छोड़ देते हैं। बेटी को हमेशा समझाते हो कि किसी के घर की इज्जत खराब मत करो, अपने बेटे से क्यों नहीं समझाते कि किसी के घर की इज्जत के साथ मत खेलो? हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं CFM न्यूज चैनल, और आज हम लोग NUK के स्टूडेंट शारदा दास के घर में हैं। शारदा दास जो अभी नई लिखने वाली में इनका शुमार होता है, टैलेंट की भरमार है और मास्टर डिग्री कर रही है, उनकी ख्वाहिश है कि बड़े होकर वो प्रोफेसर बने। आइए उनसे जानते हैं और उनको और हम लोग करीब से समझते हैं। सबसे पहले वेलकम इन आवर चैनल। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम शारदा दास है। अच्छा, अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैं MA सेकंड सेम में हूँ। अच्छा, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई थी? कुलटी हिंदी बालिका विद्यालय। अच्छा, और उस वक्त कोई टीचर आपको याद है? हाँ, उस टाइम की मेरी टीचर थी हिंदी की, रंजीता मैम। अच्छा, तो वो बहुत मानती थी, वो बोलती थी एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करके दिखाओगे, और वो अपने सारे स्टाफ्स को भी बोलती थी कि जैसे मेरा बदमाशी बहुत होता था स्कूल के टाइम पे, पढ़ाई पे बिल्कुल मन नहीं रहता था, तो वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, ये लोग बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक दिन ये कुछ बड़ा करके दिखाएगी। उनको बहुत भरोसा था मेरे ऊपर, और मैं चाहूँगी कि एक बार मैं उनसे ज़रूर मिलूँ, क्योंकि बहुत साल हो गया उनसे मिले हुए, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक बार उनके पास ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, आपके फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? मेरे फैमिली में मम्मी, पापा, भैया, अंकल, आंटी, भाई बहन, दादी सब है। कितने भाई बहन आप लोग? हम और मेरे भैया है। अच्छा, और आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम कृष्णा प्रसाद दास है। अच्छा, अभी क्या करते हो? वो अभी बोरो चेयरमैन है। अच्छा, और कैसा लगता है उनको देख करके? बहुत गर्व होता है, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे मेरे पापा का बहुत ही चर्चा होता है, और बहुत ही अच्छा चर्चा होता है कि आपके पापा बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही हो, मैं भी अपनी पापा की छवि बनना चाहती हूँ। और मम्मी का? मम्मी का तो बहुत देन है मेरे पढ़ाई में, बचपन से लेकर आज तक। अगर मैं मास्टर्स कर भी रही तो सिर्फ उसकी वजह मम्मी ही है, क्योंकि पापा के पास उतना समय नहीं रहता था, और मम्मी हमेशा पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रही है, कि पढ़ाई में हमेशा पढ़ने में ध्यान देती थी मेरा, कि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मम्मी हमेशा मेरा ध्यान रखी है पढ़ाई के दौर पर। तो बड़े हो गया, क्या बनना चाहोगे? बड़ों के मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, टीचिंग लाइन में जाना है मुझे। क्यों टीचिंग क्यों चूज कर रहे हो? क्योंकि शिक्षा का प्रचार करना चाहती हूँ। अगर एक व्यक्ति को पैसा है और शिक्षा, उसको दोनों चुनना दिया जाए कि वो कुछ चुने, पैसा या शिक्षा, तो मैं कहूँगी कि वो शिक्षा ही चुने, क्योंकि एक अगर किसी को पैसा देते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान का काम आता है, और अगर हम उसको शिक्षा देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, तो वो पूरे समाज में वो काम आ सकता है। अच्छा, आप KENU में पढ़ रहे हो, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इसके क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में? अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं हो पाता तो आप इतना दूर तक पढ़ पाते? शायद मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि फिर उसके बाद तो यूनिवर्सिटी सामने में कोई था नहीं, बर्दवान है, बाहर बाहर है, तो पता नहीं उतना, शायद मुझे जाने दे दिया जाता पर मैं बाहर रह पाती नहीं रह पाती। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि आसनसोल में एक यूनिवर्सिटी बना है, जो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और हम लोग शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं वहाँ से। आपने कहा कि आपके पापा पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिक्स समझते हो? जी समझती हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है राजनीतिक, मुझे उतना पसंद नहीं है, और मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ उन सब बातों में। अच्छा, पॉलिटिशियन में किसको पसंद करते हो? राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जो बहुत करीब है मेरे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो शिक्षा के केंद्र में बहुत उनका योगदान है, और इस खास करके देखा जाए तो वो लड़कियों को बहुत ही अपने ये में रखती है नज़र में, लड़कियों के लिए बहुत सारा शिक्षाश्री, कन्याश्री, बहुत सारा उन्होंने स्कीम लाया है, और ये अभी बहुत सारी छात्राओं को ये सारे सरकारी स्कूल में उन्होंने साइकिल बंटवाया, ताकि जो भी लड़कियां बहुत दूर से आती है गांव के जगह पे देखा जाए तो वहाँ पे जैसे स्कूल बहुत दूर दूर होता है, तो वो छात्राएं साइकिल के माध्यम से अपनी पढ़ाई शिक्षा को जारी रखती है, और स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, 10 में दिया जाता है, 12 में दिया जाता है, ग्रेजुएशन में दिया जाता है, 25,000 ममता बनर्जी की तरफ से दिया जाता है, ताकि वो अपनी शिक्षा को बरकरार रखे, क्योंकि सबके घर पे तो उतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ा पाए, और जब ममता बनर्जी देखती है कि उनमें जब ये
जब वो पढ़ सकती है, उनके अंदर टैलेंट है, तो वो क्यों नहीं पढ़े, इसलिए उनका बहुत योगदान रहा है। मैंने आपका कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी लड़कियों के लिए बहुत काम, लड़कियों के लिए वो बहुत काम करती है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। शिक्षा के केंद्र में उनका बहुत योगदान रहता है हमेशा। अच्छा, आप राइटर बन सकते हो, कुछ लिख सकते हो? जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा, लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैंने देखा है कि बहुत सारी केनियों की छात्राएं जो है वो लिखती हैं, और बहुत, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी जो लिखती हूँ वो मैं सिर्फ डायरी तक ही क्यों रखूँ, वो डायरी तक ही रह जाती थी। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अगर कोशिश करूँ तो क्यों ना, और मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, ये मेरा मैं जो भी लिखती हूँ बस मैं यही चाहती हूँ वो समाज को मेरी तरफ से एक संदेश हो कि, और मेरा हर लिखा हुआ सारा नारी लड़कियों के लिए ही होता है, महिलाओं के लिए ही होता है। कि क्यों आज हर जगह मैं देखती हूँ कि बेटी को बोझ समझा जाता है, बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, तो आखिर क्यों ऐसा उनके साथ किया जाता है? जब वो पढ़ना चाहती है, वो कुछ बन सकती है, वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है, तो क्यों उन्हें उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है? बस मैं यही चाहती हूँ, मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहती हूँ, उन माता पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें, बेटी को पढ़ने दिया जाए। आपने कहा कि आपने लिखी थी पोएट्री आखिर क्यों, हम चाहते हैं कि मेरे जो ऑडियंस उनको भी आप सुनाएं। मैंने लिखा था आखिर क्यों, बूंद सी होती है बेटियाँ, अपने फूलों की कली जैसी होती है बेटियाँ, औरों के दर्द में रोती है बेटियाँ, अपने सपनों को चूर होता देख चुप रहती हैं बेटियाँ, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, जबकि दो दो कुलों की लाल होती है बेटियाँ, फिर भी बोझ होती है बेटियाँ, आखिर क्यों? तो मास्टर डिग्री कर रहे हो, और एक स्टूडेंट के लिए टीचर का बहुत अहम रोल होता है, आपके थॉट से एक टीचर को कैसा होना चाहिए? मेरे थॉट से टीचर को ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्रैंकली भी नहीं होना चाहिए। वो अगर ज़्यादा फ्रैंकली हो जाते तो फिर स्टूडेंट उनको फ्रेंड के जैसे ही मानने लगते हैं, वो फिर उनका बात नहीं सुनता है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते तो स्टूडेंट के लिए वो भी खतरनाक होता है। अगर वो डांट देती है, कुछ बोल देती है, अगर बच्चों को, आजकल मैं देखती हूँ कि कुछ टीचर ने अगर सबके सामने बच्चे को कुछ बोला, डांटा, ईगो में लगा, वो बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है, तो ये गलत है। टीचर को मतलब मध्यम होना चाहिए, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना ज़्यादा फ्रैंकली होना चाहिए। समाज में बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो इन समाज में बेटी का पढ़ना कितना जरूरी है? समाज में बेटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए 3 वक्त का खाना, उतना ही ज़रूरी होता है बेटी को पढ़ाना। क्योंकि बेटी को अगर पढ़ाएंगे हम, और अगर हम एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक ही जन को शिक्षा दे सकता है, अगर हम एक महिला को पढ़ाते हैं तो वो पूरे गाँव को शिक्षा दे सकती है। इन दिनों बेटियों के साथ एक दर्द जुड़ा हुआ है, और वो दर्द है दहेज का, क्या लगता है? दहेज का तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और उसके थ्रू अगेंस्ट भी मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि दहेज एक बहुत घिनौनी प्रथा है। पहले के लोग जो थे, पहले बुजुर्ग जो थे, तो वो दहेज नहीं देते थे, वो बस अपनी बेटी को खुशी में कुछ देते थे, कुछ जैसे दान कर देते थे, गाय बकरी या कुछ पैसा, कुछ जेवर दे देते थे। धीरे धीरे वो दान को दांग मांग के रूप में बदल गया, और लड़के मांग करने लगे। अगर, और लड़की पे भी डिपेंड होता है, लड़का अगर सरकारी नौकरी करता है तो उनका दहेज भी उसी हिसाब से लिया जाता है, और अगर लड़की दिखने में अच्छी नहीं हो, विकलांग हो, सांवला रंग हो, तो दहेज उतनी ज़्यादा मांगी जाती है, और माँ बाप को मजबूर हो के वो दहेज को पूरा करना पड़ता है। तो मेरा कहना है कि वो दहेज जो वो उनको देते हैं, वो अपने अगर बेटी को पढ़ाए तो फिर दहेज देने की जरूरत ही क्या, अगर उनकी बेटी खुद से नौकरी करे तो फिर जरूरत नहीं है उनको दहेज देने की। इन दिनों देखने कहा जा रहा है कि ये समाज बहुत पढ़ा लिखा तबका हो गया, फिर भी आज भी जो दहेज की जो है पीड़ा है, जो दर्द है, हम लोग दहेज को आज भी खत्म नहीं कर पा रहे, क्या लग रहा है ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? मैं तो सबसे पहले मैं ये आज की युवा पीढ़ी को, पढ़ी लिखी लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आता है जो दहेज मांगता है, दहेज की मांग करता है, तो आप उन्हें एकदम इनकार कर दीजिए, एकदम मना कर दीजिए कि नहीं, क्योंकि आजकल गलती सिर्फ लड़के वालों की नहीं, लड़की वालों की भी होती है। अगर वो मांग उसका पूरा कर रहे हैं तब ना वो दहेज मांग रहे हैं, अगर वो इनकार कर दे और वो बोल एकदम साफ साफ मना कर दे कि नहीं हम दहेज नहीं दे सकते, हम दहेज नहीं देंगे, तो फिर क्यों कोई दहेज मांगेगा? बहुत मैंने पुरानी रिवायत है, कहा जाता है कि बेटी को कन्या दान कर दो, क्या लगता है इस वर्ड से आप सेटिस्फाइड हैं? जी नहीं, ये वर्ड कन्या का दान कैसे हो सकता है, कन्या कोई वस्तु तो नहीं है। तो मैं हर पिता से अनुरोध करूंगी कि ये दान वाला शब्द हटा दे, क्योंकि हम कोई वस्तु नहीं है, हम जानवर या कोई सामान नहीं है, चावल दान होता है, गाय दान होता है, तो कन्या का दान कैसे कर अब कैसे कर देते, क्योंकि बेटी तो पिता की अपने कलेजे की टुकड़ा होता है।
लड़कियों को, खास करके लड़कियों को, कि आप इतना पढ़िए कि आप कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ बन जाए, आप कोई अच्छा नौकरी करें, ताकि आपको फिर क्यों दहेज देने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, हम लोग बात करें सक्सेस के बारे में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लड़के को जॉब मिल गया, ठीक है, उसके बाद वो समझते हैं कि हम सक्सेस हो गए। आप क्या सोचते हो, सक्सेस किसे कहा जाता है? सक्सेस सही मायने में देखा जाए तो सक्सेस हम तब होते हैं जब हमसे 10 लोग खुश हो, जब हम किसी के काम आ सके। आजकल के लड़कियों को मैं देखती हूँ कि जॉब लग गया, शादी हो गई, बस वो अपनी फैमिली लेके अलग हो जाता है, माता पिता को छोड़ देता है, तो वो कहाँ सक्सेस है? जो माँ बाप बचपन से उसे पढ़ाया लिखाया, उस मुकाम पे उसको पहुँचाया, आज वो उसी माँ बाप को छोड़ देता है, सिर्फ अपने परिवार को देखता है, अपनी नौकरी देखता है, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो वो तब होगा जब वो अपनी माता और पिता की आँख में आंसू नहीं आने दे। और हम अगर जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम फिर भी तब भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो हम तब होंगे जब हम अपने मोहल्ले में देख रहे हैं कि 10 बच्चे अशिक्षित हैं, तो उन्हें शिक्षा, यही कोशिश करेंगे कि उनके लिए कोई स्कूल खोल दे, वो शिक्षा प्राप्त करे, तब हम वहाँ जाके हम असली सक्सेस वहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने जो तालीम हासिल की वो दूसरे को दो। इन दिनों जो हम लोग देख रहे हैं एक लफ्ज आ रहा है डिप्रेशन, खासकर वो बच्चियाँ जो नौमीद हो जा रही, कहीं पर मायूस हो जा रही, वो डिप्रेशन का शिकार हो जा रही, उसके बाद वो सुसाइड कर ले रही, उसके बारे क्या कहा? मैं तो उसको कहना चाहूँगी कि ज़्यादा इस बारे में ना सोचे, वो हमें कोशिश करते रहे, और अगर वो किसी से नहीं समझ पाती है तो वो एक चींटी को देखे। एक चींटी तब तक कोशिश करती है जब तक वो अपने मुकाम तक पहुँच नहीं जाती, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेती है। अगर हम वो चींटी को, वो सबसे छोटा प्राणी होता है लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, तो डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाए, जो उनको बनना है वो बन ना जाए, क्योंकि एक ना एक दिन वो जरूर बन के दिखाएंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर बन सकते हैं, और हम लड़कियों में बहुत ताकत होती है। बनना चाहती है लेकिन उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं दे रहे, वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। अगर उनके जगह में आप होते तो आप क्या करते? मैं तो अपने माता पिता को तब तक मनाती जब तक मुझे परमिशन नहीं मिल जाए पढ़ने का, क्योंकि जब मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं क्यों नहीं उसको उभारूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़कियाँ पढ़े, और मैं हर उन माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटी को रोके नहीं। हम बेटियों के पास पर नहीं होते लेकिन हम उड़ने का पूरा हौसला रखते हैं, हम हर एक छवि छोड़ जाते हैं, और हर जगह हम बेटियों को देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग होती है लड़कियाँ, वो हर अपना हर भूमिका को बहुत अच्छे से निभाती है, चाहे वो बेटी का हो, बीवी का हो, बहू का हो, सब कुछ वो बहुत अच्छे से निभाती है, तो बेटियाँ कुछ भी कर सकती है, बस उन्हें रोकना, उन्हें रोक टोक ना लगाया जाए, उन्हें ध्यान दिया जाए, उनको अपने शिक्षा में हमेशा उनको आगे बढ़ाया जाए। बेटा को शिक्षित करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ा सकता है, और हम अगर बेटी को शिक्षित करते तो कई पीढ़ियों को पढ़ा सकते हैं, सकती है, क्योंकि पिता के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो अपने बच्चों को देख पाए, पर एक माँ के पास बहुत टाइम समय होता है, और वो समय निकालती भी है क्योंकि वो महिला होती है और हर तरफ से अपने आप को तैयार रखती है, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए मैं कहूँगी कि बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, हर वो माता पिता को कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ने से नहीं रोके। कि जो बेटियाँ होती हैं वो माँ बाप की ख्वाब होती हैं। इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर से बोलती कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाती है, बल्कि कहीं रेस्टोरेंट चली जाती है, कहीं पार्क चली जाती है, या मूवी देखने चली जाती है। तो वैसी लड़कियों के लिए क्या कहोगे? मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी लड़कियाँ होती है, और ऐसी लड़कियाँ होती है कि वो अपने माता पिता के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ भी सब बहुत सारे माता पिता को लगता है कि शायद हमारी बेटी भी ऐसा कर ले। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी कि अगर मम्मी पापा ने आपके भरोसे पे आपको बाहर छोड़ा है तो उस भरोसे को तोड़िए मत, क्योंकि आपके वजह से ही शायद और भी कितनी लड़कियाँ जिनका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मम्मी पापा का भरोसा उतना ही बनाए रखें जितना वो भरोसे से आपको घर से भेजती है, क्योंकि अगर आपका भरोसा टूटता है तो एक माता पिता के साथ कितने माता पिता की उम्मीद टूट जाती है कि शायद मेरी भी बेटी ऐसा करे, और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर लड़कियां तो ऐसी नहीं होती है। अब चलते चलते बस आपसे आखिर ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने देखा कि आपके फ्रेंड सर्किल भी है और आप लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हो, तो इस चैनल के माध्यम से ऐसी कुछ बात है जो आप उन लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाएं, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर शेयर कर दो। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मेरी जो सर्कल है वो बहुत अच्छा है और बहुत टैलेंटेड है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट भरा हुआ है, सब लिखते हैं, रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, और कोई IAS बनना चाहता है तो कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, और कोई किसी में कुछ बुराई नहीं है, कोई एक दूसरे को देख के जलन की भावना भी नहीं रखते कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम उससे जले, वो सोचते हैं कि अगर वो आगे बढ़ा तो हम भी आगे बढ़े, और मेरे सारे फ्रेंड कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो लोग बन जाए, ताकि जब मैं उन्हें देखूँ उस मुकाम पर तो मैं बता सकूँ कि ये मेरी मित्र थी, ये मेरे साथी, इन्होंने पढ़ाई किया है,
और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे, के एन यू में मुझे इतने अच्छे अच्छे टीचर मिले कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर मैं एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो उस लाइन को मैं 10 बार पूछूंगी तो टीचर्स मुझे 10 बार समझाएंगे, गुस्सा ज़रा भी नहीं करते हैं और 10 बार मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं। और इन दिनों जो नशा हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? नशा आजकल युवा पीढ़ी में नशा देखा जाए तो बुजुर्ग से ज़्यादा नशा अभी के उम्र के लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं, कभी कुछ भी चीज़ का नशा हो, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरा फ्यूचर करियर सब डूब जाता है। अगर नशा करना है तो मेहनत का नशा कीजिए, कामयाबी भी सफलता वाली आएगी, क्योंकि ये सब नशा करके अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने करियर को बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए और अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये बनना है, तो ताकि कल को आप, आपको अपने खुद के ऊपर भी गर्व होगा, आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ बन गए, मेरे बच्चे कुछ बन गए हैं। वो इसलिए नशा करना बहुत गलत बात है। और मैं तो सरकार से भी ये कहूँगी कि नशा जो आखिर नशा बच्चे करते कैसे हैं, वो मिल रहा है मार्केट में तब ना वो नशा कर रहे हैं, उसको बंद करवा दिया जाए, सिगरेट खैनी जो भी है सब कुछ एकदम बंद करवा दे, ताकि वो उनको मिलेगा नहीं तो वो नशा कैसे करेंगे, उसके बाद वो खुद सुधर जाएंगे बच्चे। आज हमारे साथ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोरो चेयरमैन जिनका ताल्लुक कुल्टी से है, कृष्णा प्रसाद दास, बहुत ही चर्चित चेहरा है और हम लोगों ने देखा कि 5 साल में ये तमाम अपने कामों को किया, खासकर इन्होंने हर काम को गरीबों के लिए किया। उनके पास टाइम कम है, आइए जानते हैं कुछ उनके पर्सनल फैमिली के बारे में। सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपकी बेटी मास्टर डिग्री पढ़ रही है, कैसा लग रहा है जब बेटी तरक्की कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़की का अपना क्रेज है, वो बचपन से ही मतलब पढ़ने में अपना ध्यान दे रही है। और हम तो यही बोलेंगे कि हर माँ बाप को अपने बेटी को इतना कम से कम थोड़ा बहुत गाइडलाइन करे कि वो बच्ची पढ़ के कुछ बन सके, अपना पैर में खड़ा हो सके, अपना भविष्य सुधार सके। अभी लड़की को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, हम तो हर माँ बाप को यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटी को ज़रूर पढ़ाएं, बेटी के कोई भी पढ़ाई लिखाई में कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए, वो जिस तरह भी हो थोड़ा अपना मेहनत करके, थोड़ा कुछ अपना घर से मैनेज करके, कुछ अपना फैमिली में जो भी पैसा उससे कटौती करके बच्चा को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके हम तो बोलेंगे कि लड़की को पढ़ाना अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप पॉलिटिशियन भी हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी आया कि कहा गया आपने बेटी को मत पढ़ाओ, पढ़ के क्या करेंगे? ना, ऐसा तो कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी एमए करेगी, लेकिन ये खुद मेहनत करके वो अपने से ही सब कुछ कर रही है, एडमिशन भी अपने से ही ली है, आगे का पढ़ाई भी वो अपने कर रही है। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरी बेटी एमए करेगी, क्या कि नहीं, वो सिर्फ एमए नहीं कर रही बल्कि वो अच्छा लिख भी रही है और हम लोग देख रहे हैं एक अच्छा राइटर है, अच्छा साहित्य का हमको लग रहा है कि स्टूडेंट है वो, तो वो लिखने का शौक कहाँ से जगा? जो भी करती है आज के डेट में, जो भी करती है हम थोड़ा बहुत ही गाइड कर पाते हैं। और अभी तो हम 4.5 साल से एक बोरो चेयरमैन के हैसियत से या उसके हिसाब से, जो कि ज़्यादा समय मेरा बाहर में ही बीत जाता है, वह थोड़ा बहुत रात में समय मिलता है बच्चों को पूछ लेते हैं कि बेटा कैसा पढ़ाई चल रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, बस इतना तक ही सीमित है मेरा। आपका नाम क्या है? पूनम देवी। अच्छा, और जो आपकी बेटी उसे क्या नाम है? उसका शारदा कुमारी। आज बेटी इतना तरक्की कर रही है, इतना पढ़ रही है, ये देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग चाहते हैं कि मेरा बेटी पढ़ के प्रोफेसर बने, टीचर बने। बेटी से कितना उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। हम लोग देखते हैं समाज में खासकर बेटी को पढ़ने से रोका जाता है, वो गलत है जो रोकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं मेरा बेटी पढ़े लिखे, अच्छा नौकरी करे, प्रोफेसर बने, टीचर बने, हम लोग के तो ख्वाहिश है। कुछ लड़कियाँ हम लोग से कहती है कि सर हम पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन मेरा माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहा, वैसे माँ को क्या मैसेज दोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, जब बच्चा चाहते हैं कि पढ़े तो माँ बाप को भी चाहिए कि मैं अपना साथ देना चाहिए बच्चा को साथ में, कि मेरा लड़की पढ़ लिख करके आगे बढ़े, पैर में अपना खड़ा रहोगे तो अच्छा रहेगा, सबको अच्छा लगेगा कि लड़की पढ़ रही है। हम लोग को तो यही अरमान है कि मेरा भी बच्चा पढ़े लिखे, कुछ बन के दिखाए, समाज में परिवार में अच्छा रहे, सब परिवार हम लोग जॉइंट फैमिली, अच्छा लगता है कि मेरा लड़की पढ़े लिखे, सब चाहते हैं। अच्छा, हम रही है आपका के एन यू में, इन लोगों का एक टीम है, इनके जो फ्रेंड है उसके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? वो लोग के फ्रेंड भी पढ़ रही तो अच्छी बात है कि उसको भी माँ बाप चाहे कि मेरा बेटी पढ़े आगे निकले, वो लोग भी चाहे कि मैं अपना बच्चा को अपना आगे बढ़ाए, और क्या उसके लिए कोई मैसेज है, कुछ पैगाम कुछ बोलना चाहेंगे?
अब चाहते हैं कि लड़का बच्चा पढ़ के अच्छा आदमी बने, संस्कार अच्छा उसको दिया जाता है, इसलिए कि बच्चा लोग आगे बढ़े। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लोग पढ़ के ऐसा गलत काम ना करे कि मजदूरी का फ़ायदा उठाए। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चा लोग अच्छा रहे, कि माँ बाप का नाम हो समाज में, सर उठा के चल सके, यही चाहते हैं माँ बाप सब। मेरा बेटी के साथ में जितना सहेली सब उन लोग के फ्रेंड जुड़ी हुई है, उसका साथ में भी अच्छे हो और वो भी आगे निकले, अच्छा बुद्धि भी रखे अपना, अच्छा समझदारी भी रखे।